गंदगी हमें बहुत बहुत ज्यादा अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके हुए थे बहरीन। बहरीन जब करीब आता है ना, लाइक जब हम बहरीन में एंटर होते हैं तो इतना प्यारा व्यू होता है ना, बहुत बहुत प्यारा होता है। ख़ास तौर पे जब आप मिड नाइट ट्रैवल करते हो ना, तो जो सूरज निकलता है ना उसकी वजह से तो वैसे बड़े हसीन मनाजिर होते हैं जो आप कैप्चर कर सकते हो। बट चूँकि बच्चे विंडो साइड पे बैठे हुए होते हैं और मुझे किसी सूरत कैप्चर नहीं करने देते प्रॉपरली, सो खैर मैंने वो तो कैप्चर नहीं किया। बट जब आप बहरीन लैंड हो रहे होते हैं ना, इतना खूबसूरत और हसीन लगता है ना बहरीन। तो यहाँ पर जो मैं बहरीन के एयरपोर्ट पर बैठी हुई हूँ, ऑल दो एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट आई वॉज़ वेटिंग फॉर आवर स्ट्रॉलर, क्योंकि स्ट्रॉलर जो है वो लगेज के साथ नहीं आती है, वो अलग आती है। तो इतना हमें टाइम लग गया था, आई वॉज सिटिंग देर, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं। बहरीन का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर तकरीबन हम लोगों को आई थिंक घंटा तो लग गया था, घंटा तो कहीं नहीं था गया। एक और मेरे साथ लेडी खड़ी हुई थी, वो भी काफ़ी देर से यही वेट कर रही थी, उनके हस्बैंड शायद बाहर आए हुए थे, तो उनको भी जी स्ट्रॉलर नहीं थी मिल रही। वो तो कहती मैं छोड़ के जा रही हूँ, इतनी देर हो गई, क्योंकि वो आपको अलग जाके क्लेम करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग जब गए हैं, उसके बाद उसने ऑफिस भी बंद कर दिया था, और हमें स्ट्रॉलर का जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो नहीं था मिला, क्योंकि वो डिटैच हो जाता है, जो ब्लू कलर का आपने देखा होगा, तो वो गुम हो गया। अब क्या कर सकते थे, उसने ऑफिस भी बंद कर दिया हुआ था। सो खैर हम लोग फिर जितनी स्ट्रॉलर हमें मिली, मतलब जो पार्ट उसका मिला वो हम लोग ले आए, मतलब चलती है। अब जाहिर है वो ब्लू कलर के ऊपर एक बना हुआ था जो ऊपर शेडो करते हैं ना स्ट्रॉलर के, वो गुम हो गया। खैर जी हम लोग यहाँ पर घर पहुँच चुके हुए थे, और जो है बब्बू का वेलकम ठंडा मीठा ही था, इतना कोई ख़ास वार्म वेलकम नहीं था। और ये देखें जी, ये है जी बब्बू साहब, जिनकी मुझे इतनी फिक्र थी, और पीछे से मैंने दो लोगों को कहा हुआ था कि जी इसका ध्यान रखना। और ये देखें, ये मुझे पास से मेरी इस तरीके से गुजरी है जैसे ये मुझे पहचानती भी नहीं है। तो आयान उसको बार बार बुला रहा था, बब्बू ठीक हो? बब्बू आया जा कैसे चला? बब्बू 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 उई। यहाँ मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था, क्योंकि अभिया को उठाकर मैं आई और तेज़ी से आई, और फिर बैग भी था एक मेरे पास, तो मेरी यहाँ पर बस हुई हुई थी, सांस नॉर्मल हो ही नहीं थी रही। तो यहाँ पर जब बब्बू ने फाइनली मुझे थोड़ा थोड़ा रिकगनाइज शुरू करना शुरू कर दिया है, तो अब जब मैंने घर की हालत देखी थी ना, लिटरली मेरा ना कुछ भी दिल नहीं था, चारा ज़ाहिर सफाई तो करनी थी मैंने, तो जी मैंने सोचा कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभिया हज़ारों कतार हो रही थी, हज़ारों कतार हो रही थी। तो सबसे पहले जी मैं गई फीडर धोने के लिए, मैंने सोचा इनको पहले दूध दे देती हूँ सारे बच्चों को, और फिर मैं कुछ करना शुरू करूँगी। और जशान को भी मैंने कहा आपकी मुझे भी कोई ख़ास हेल्प की जरूरत नहीं है, बस बच्चे लें और लेट जाएँ। तो यहाँ पर जब मैं बर्तन धोने के लिए आई, तो जो इस सोप डिस्पेंसर को बहुत सख्त सफाई की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया, फिर मैंने कहा भाई इससे जो है ना बाकी क्लीनिंग होगी, अगर यही नहीं साफ़ है तो बाकी क्लीनिंग में क्या करूँगी। खैर बट बिफोर दैट, इसको भी साफ़ करने से पहले जब मैं गई ना वॉशरूम, तो सबसे पहले मैंने सारे घर के मैट्स उठाए और उन्हें मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि उन्हें दो बार धुलना था। तो इसलिए जब तक मैं एक काम कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ दूसरा कोई भी काम होता रहे, ठीक है। तो वहाँ पर मशीन चल रही थी, तो यहाँ पर जो है मैंने डिस्पेंसर वगैरह वॉश किया, इसी तरह से मैं वॉशरूम सारे गई थी, और सारे वॉशरूम्स पे मैं हार्पिक और ब्लीच वगैरह डाली थी, जहाँ जहाँ हार्पिक डालना है वहाँ हार्पिक डाल दी, क्योंकि हार्पिक और ब्लीच को आप मिक्स नहीं कर सकते, बहुत बुरा रिएक्शन होता है। सो फ्लश के अंदर मैंने जो है वो सारे कमोड्स में मैंने हार्पिक डाल दिया था, और फ्लोर पर मैंने जो है वो ब्लीच डाल दी हुई थी, और साथ में मैं वॉशरूम भी वॉश कराई थी एक, और जो मैट्स हैं वो भी धुल रहे थे। इतनी देर में मैं जो है वो किचन साफ़ करने आ गई थी, किचन का थोड़ा सा पार्ट साफ के बच्चों को फीडर वगैरह वॉश करके दिए, और उनको दूध देख के मैंने कहा अब आप लेट जाओ, ठीक है। तो फिर मैं किचन क्लीन करने लगी, क्योंकि शेल्फ
इतनी गंदी थी, स्टोव टॉप ईच एंड एवरीथिंग घर बहुत गंदा हुआ हुआ था। खैर जी, यहाँ पर मैंने आकर जो है पहले शेल्फ ही क्लीन की और फिर मैंने उस शेल्फ पर जो है वो डिश रैंक रखा, फिर उसको मैंने एम्प्टी किया और उसको मैंने धोना शुरू किया। सारे बर्तन धुलने थे, पूरा डिश रैंक वॉश होना था, स्टरलाइज होना था गर्म पानी से, तो बहुत टाइम टेकिंग था क्योंकि मेरी केटल ख़राब हुई हुई थी, जो नहीं आई हुई थी वो अंदर पड़ी थी। तो अभी जो है ना, मैं उस कमरे में बार बार नहीं थी जाना चाह रही क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोने की कोशिश कर रहे थे और अगर अभी उठ जाती ना तो बस फिर मैं कुछ नहीं थी कर सकती। इसलिए आया नहीं मान तो कच्ची पक्की नींद में थे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, बट अबिया जो है ना वो सो रही थी। तो इस मौके का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया कि सुशांत भी घर पे हैं और बच्चे भी अंदर हैं, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके ना मैं सारा काम समेट सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से काम समेट रहा था क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही थी। काम हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट ना हो और एक ही टाइम पर आप काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। जैसे अभी मशीन भी चल रही थी, वॉशरूम्स भी साफ़ हो गए थे, पहले मैं उनमें हार्पिक वगैरह डाल रही हुई थी, तो वो टाइम लेता है, तकरीबन 20-25 मिनट आपको वो डालकर जो है रिएक्शंस होने देने होते हैं और फिर जाकर आप क्लीनिंग करते हैं ना। तो इस तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज काम चल रहा था। तो अब जो था वो किचन भी ऑलमोस्ट डन होने वाला था, शेल्फ्स में कर चुकी हुई थी, बर्तन शर्तन हो रहे थे। सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फैक्ट्री चीज़ थी ना इस वक्त वो मेरे लिए ये थी कि शेल्फ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और इस शेल्फ पर जितनी मैंने चीज़ें रखनी हैं वो भी नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यू नो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि एक पार्ट आपका हो गया है। पहले ये मैंने सारा वॉश किया है और फिर बड़ी मुश्किल से पानी उठाया है और अब आई भी स्लिप होने लगी थी और अब मैं यहाँ पर मॉप लगा रही हूँ क्योंकि इससे ये साफ नहीं होगा। किटन्स ने बहुत ज़्यादा घर गंदा किया है, बहुत बहुत ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। पंखे चला दिए मैंने, पहले मैंने क्लोरीन डाली है ठीक है जी उससे किया है और अब ये वाइपर लगाया है और उसके बाद ये डिसइंफेक्टेंट डाला पानी में और अब कर रही हूँ क्लीनिंग। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, कितनी क्लीनिंग होती है। किटन्स वर हाइडिंग फ्रॉम मी, ये देखिए कहाँ छुपा हुआ है, और दो ये देखिए कहाँ बैग्स के पीछे छुप के बैठी हुई है। जबकि बब्बू जो है ना वो फेमिलियर हो गया तो उसको यादाश्त वापस आ गई थी कि ये जो है ना मेरी बहुत अच्छी वाली हैं, एलईडी हैं जो मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं। सो उसको मेरी पहचान हो गई थी, वो बार बार मेरे पास आ रही थी, आई थिंक वो ग्रूमिंग चाह रही थी, नहाना भी चाह रही थी। सो सबसे पहले मैंने सोचा उसको अच्छे से जो है ना वो ब्रश करती हूँ तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसके वो निकल आएंगे और फिर जो है ना जब मैं खुद बात लेने जाऊँगी ना इससे पहले मैं इसको बात दिला दूँगी और फिर जो है ना मैं खुद फ्रेशअप वगैरह हो लूँगी। तो अभी ये देखिए कितनी मस्त हो रही थी जब जब मैं इसको लाइक ब्रश कर रही हूँ, उसको इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना ज़्यादा खेल रही थी मेरे साथ। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर क्योंकि ये बहुत ही वो कहते हैं ठंडी कैट है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई प्यार और मोहब्बत वाली इतनी फीलिंग्स नहीं है। होती हैं ना पेट किट्स बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, बट ये जो है इतना ज़्यादा नहीं मेरे साथ जो कहते हैं ना अफेक्शनेट, कभी कभी बहुत कम अफेक्शन शो करती है, इतना ज़्यादा नहीं शो करती। तो मैं इसको कहती थी ये बहुत ठंडी कैट है। तो खैर ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरे साथ चिपक रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी। सो मैं इसको भी ग्रूम कर रही थी और फिर मैं इसको प्यार कर रही थी। एक्चुअली जो कैट्स होती हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके सर पर फिंगर टिप्स की हेल्प से रब करो और जो इनके ईयर हैं उसके राउंड अबाउट जितनी भी एरिया ना उसको रब करो और उसकी चिन का जो एरिया है उसको आप जब माउथ से नीचे की तरफ जाते हो ना तो फिंगर्स आप फेरो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसको ये करती हूँ ना तो फिर ऐसे मदहोश हो जाती है, आंखें बंद करके फुली इंजॉय करती है इस सारी चीज़ों का। ये देखें कितनी मदहोश हो रही है, इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाज़ू का तो ये वहीं पड़े पड़े भी सो जाती है। तो ये देखें फुली इंजॉय कर रही है और मुझे मज़ा भी आ रहा था कि शुक्र है ये मुझे भूली नहीं है। और ये इसकी बहुत बुरी आदत है, बहुत लिख करती है भाई ख़ुद को, इतना बिल्ली ये जो है ना अपने आप को ग्रूम करती है, बहुत ग्रूम करती है। तो इसीलिए मुझे था कि भाई इसको भी मैंने ना जल्दी से फारिग हो जाऊँ, इसको भी नहलाऊँ। मुझे उलझन होना शुरू हो रही थी क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी बाहर से आती हूँ ना बच्चों को भी नहलाती हूँ और अगर मुझे थोड़ी सी भी कैट गंदी लगे ना तो मैं इसको फ़ौरन से पहले नहला देती हूँ। तो बस मेरे ये कोशिश थी कि अभी जितने भी काम है ना ये पहले वाइंड अप हो जाएँ फिर जो है ना मैं इसकी तरफ तवज्जो दूँ, क्योंकि अगर इसको मैं नहलाने पहले चली गई ना तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊँगी क्योंकि इसको नहलाने में बहुत टाइम सर्फ होता है।
और अब आप ये इसका हेयर फॉल चेक करें, कितना ज़्यादा इसके जो है वो हेयर फॉल हो रहा है। बल्कि मुझे लग रहा है मुझे ना कोई और एक अच्छा और ब्रश देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हेयर नहीं कैच कर रहा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने एक दो ब्रशेस देखे हैं टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी, कि वो जो है बिल्कुल अच्छे से फर को कैप्चर कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से ना, और एक फर बोल सा बन जाता है, बट इसका तो नहीं इतना खास खास बनता। मैंने जब से है ना साथ साथ में वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, मैट वगैरह नेपकिन वगैरह ये सब चीज़ें धुल चुकी हैं, तो इस तरह से ही होता है, साथ साथ मशीन चलती रहती है, साथ साथ काम होता रहता है। किचन भी नीट हो गया है जितना मैं कर सकती थी, अभी कैबिनेट्स वगैरह नहीं, बाहर का भी नीट कर दिया है मैंने, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टिंग भी करनी है, पैकिंग भी होनी है, और ये कूड़ा इतना ज़्यादा निकला है। बबू लेट्स गो। हाँ नहीं करें बबू, बबू नहीं करें, भूखी लगी है। वो देखें जी बब्बू मुझे गुस्से में देखता हुआ, क्योंकि अभी इसकी मैंने कराई है नैया नैया, काफ़ी सारी अच्छे से मैंने इसकी नैया नैया कराई हैं, और अब ये जब तक अपने आप को लिक करेगी जब तक ये बिल्कुल जो है ना ड्राई नहीं हो जाती। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने बेडशीट डाल दी, ये देखिए सिशान ने कि ये दो मैट्रेस डाले हैं एक बेड पर, क्योंकि किटन्स ने ना छी करना शुरू कर दिया था, तो जिशान ने सारे सोफ़े वॉश किए हैं और दूसरे कमरे में शिफ्ट कर गए थे और कमरों को बंद कर गए थे ताकि किटन्स जो है ना कमरों में नहीं जाए। ठीक है जी, तो अब वो अलहमदिल्ला लिटर ट्रेन तो हो गया एज़ पर बिनिश, तो अब मैं देखूंगी हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं। और इसके अलावा वो लॉन्ड्री मैं कर कर आई हूँ, दो मैंने पोर पहले लगाए हैं, दो तीन पोर, अब ये पोर है, इसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। किचन थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर दिया है, डीप क्लीनिंग जो है ना कैबिनेट्स वगैरह की नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने जो है वो घर शिफ्ट करना है। बब्बू जी कौन है? एक मिनट, दूसरा कौन गया? ये तुम्हें हमें ज़िपलॉक भी नहीं होता। ज़िपलॉक कर पड़ी नहीं थी तुम्हें, पीछे पड़ा हुआ था। कितने होंगे? बाबू आओ, अब जिसे हम पीछे ना उन्होंने कैट ने किटन से कुछ नहीं कहा, आ जाओ ऑर्गेनिक और जी किटन्स मुसलसल मेरे से छुप रहे थे, मैं जहाँ जा रही थी वहाँ से चले जाते थे, छुप जाते थे, और इन्होंने आपको पता है ये क्या किया, ये जो पीछे मेरी स्टीम आयरन पड़ी है ना इसके ऊपर जो पानी वाला सेक्शन होते हैं ना, इन्होंने उठाकर दांतों से उसका बेड़ा गर्क किया हुआ था, मैंने इन्होंने डिस्पेंसर जो है पानी वाला उसका भी दांतों से पाइप तोड़ दिया हुआ है, क्योंकि वो कुछ बनकर नहीं चला, चिकन बॉईल करना था ना, तो कह रही थी यहीं से बॉईल करके चलते हैं। बिनिश ने बड़ी मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है बिनिश ने। अच्छा ये फ्रिज की किचन में रखना था तुम्हें? क्या चीज? फ्रिज की किचन में फोक होता है, वी 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 वी, ये लो और सून भी, ये लो सून, नो नो फोक नहीं है, एक स्पून है और एक फोक है, ये ले लो, आपके लिए स्पेगेटी यार फिनिश करनी है। अच्छा इतने केचप वाली मैं भी नहीं खाऊंगी मैं तो। और बिनिश की तरफ जी हमारा खाना था, खाना खुना खा लिया और उसके बाद उसने पैक भी कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, तो उसने कहा कि आप खाना लाजमी लेकर जाइएगा, रात को भी खाइएगा और सुबह भी बच्चों को खिला देगा ना, तो यहाँ पर बस मैं मुझे आते भूख लग गई थी थोड़ी देर बाद, तो निकाल के मैंने जो है स्पेगेटीज खाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। इसके अलावा उसने वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी और बिरयानी थी
और शायद एक और चीज़ थी जो मुझे भूल गया, पता नहीं थी या नहीं, तीन तीन चीज़ें तो थी। है सुबह मैं उठी तो सबसे पहले जो है वो आयान को, मैंने ईमान और आयान को जो है स्पेगेटी गर्म करके थी, मैंने कहा आप लोग बेटा ये खा लो, और अभी हक के लिए मैंने बनाना स्मैश कर दिए थे, और आयान कह रहे थे थोड़ी मम्मा मुझे और डाल के देंगी बाद में, मैंने कहा हाँ डाल के दूंगी आपको बाद में और डाल के दूंगी। और ये ज़िंदगी में पहली बार है कि मेरे बैग्स इसी तरीके से पड़े हुए हैं और रोल रहे हैं, क्योंकि इनको अनपैक करने का फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि हमने फिर पैक करना पड़ेगा, हम लोगों ने अब शिफ्ट होना है। तो बस ये था जो आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।